अल्टीमेटली हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, एक साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज़ हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़ किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है, हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है, और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम, मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी।